मकर राशि व मकर लग्न वाले जातकों के लिए जून के महीने में एक दो नहीं पूरे तीन ग्रह हाथ पकड़कर कराएंगे आपकी नैया पार। पूरे जून के महीने में धन लुटाएंगे आपके ऊपर बार बार। यदि आप भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप ये भी जानेंगे कौन से वो तीन ब्रह्म कारक ग्रह हैं जो जून के महीने को आपके लिए सफलता का मार्ग खोलने जा रहे हैं। इसी के साथ में बाकी बचे नव ग्रहों की संज्ञा किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। यदि ये छोटा सा कार्यक्रम आपने देख लिया तो पूरे जून के महीने में संपूर्ण गतिविधि आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होने जा रही है इसे भली भांति समझ लेंगे। और जब भी ग्रहों की स्थिति को आप समझ लेते हैं तो नियर फ्यूचर से संबंधित कोई भी प्लानिंग करते हैं इसमें निश्चित रूप से मिलती है आपको सफलता। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज द्वितीय भाव में बने हुए हैं। 17 जून को ये वक्र गति में आपको लग्न का भी फल देंगे। ये संकेत है कि आपके लिए जून के महीने में पहला सुख जो हर व्यक्ति चाहता है निरोगी काया का, वो आपके लिए बहुत सुंदर बनने जा रहा है। जून का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा बनकर आएगा। दूसरा सुख क्या है तो वो है धन की माया। धन भाव के स्वामी धन भाव में बने हुए हैं। 17 जून से ये वक्र गति स्थिति में आपको लग्न का भी फल देंगे। और लग्न क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व। अपने व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर धन से संबंधित कोई भी कमी आपके जीवन में बनी हुई है इसे पूर्ण करने की दक्षता शनि महाराज आपको देने जा रहे हैं, और अपनी दक्षता के दम पर धन से संबंधित स्थितियों को आप पूर्ण रूप से अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लेंगे। कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके दैनिक रोजगार सप्तम भाव में आकर विराजित हुए हैं। इसे आपके लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है कि केंद्र का स्वामी केंद्र में और एक अच्छे भाव में होना। कर्म क्षेत्र में आप लिखकर रख लीजिए, यदि मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, जून का महीना कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता अवश्य रूप से देकर रहेगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु एक बात का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा कि आपके कर्म भाव में केतु महाराज भी बैठे हैं। शॉर्टकट निकालने का प्रयास मत कीजिएगा। जो आपका फ्लो बना हुआ है इसे एकाग्र चित्तता से सही मार्ग पर लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से शुक्र महाराज कर्म क्षेत्र में वृद्धि करते हुए आपको देने जा रहे हैं सफलता। भाग्य की यदि हम चर्चा करें तो भाग्य की स्थिति का स्वामी आपका बुध महाराज केंद्र में बने हुए हैं 7 जून तक। इसके पश्चात 24 जून तक ये आ जाएंगे आपके लिए पंचम भाव में, त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में। यही वो तीन ग्रह हैं जो जून के महीने में आपकी नैया पार लगाने जा रहे हैं। कौन कौन से, पहली स्थिति में शनि, दूसरी स्थिति में शुक्र देव और तीसरी स्थिति में बुध महाराज। 24 जून तक भाग्य का निरंतर मिलेगा आपको साथ, और जब कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति आप भी करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो फॉरेन लैंड का स्वामी नेटिव लैंड में आकर विराजित हुआ है। पूरे जून के महीने में चाहे भौतिक सुखों को प्राप्त करने की यात्रा है या फिर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। विदेश में सेटलमेंट चाह रहे हैं, यहां से भी बड़ी अच्छी स्थिति का योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। विद्या की यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में जाकर विराजित है। बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी, किंतु 15 जून तक सूर्य महाराज जो कि अष्टम भाव ऑब्स्टेकल के कारक होकर आपके विद्या भाव में आए हैं, यहाँ ये छोटी छोटी सी ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का जरूर से प्रयास करेंगे, किंतु इसकी अच्छे से बैलेंसिंग करेंगे शुक्र महाराज। 15 जून के पश्चात जैसे ही सूर्य महाराज यहां से स्थानांतरण करेंगे, आपकी विद्या में बहुत तेजी से बूस्टअप और सफलता का योग बनता हुआ देख पाओगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य स्थान के ऊपर नीचस्थ मंगल बैठे हैं, किंतु कुंडली का कारक शुक्र भी यहाँ पर बैठा है जो कि विवाह के कारकत्व को दर्शाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए जितना मंगल महाराज बिगाड़ नहीं पाएंगे उतना शुक्र महाराज इसे अच्छा करते हुए पाए जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध वैसे तो जून के महीने में अच्छी अवस्था को दर्शा रहे हैं,
किंतु सूर्य महाराज जो कि ऑब्स्टेकल के कारक है, अग्नि कारक तत्व के ग्रह हैं ये, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर रिएक्ट करने की स्थिति आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। 15 जून तक यहां सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि शुभ अंक की कि कौन से शुभ अंक हैं जो बना सकते हैं जून के महीने को आपके लिए यादगार, तो पहला अंक रहेगा 6, दूसरा रहेगा 2, तीसरा रहेगा 7। इन अंकों का प्रयोजन कर आप बना सकते हैं जून के महीने को यादगार। शुभ रंग कौन से हैं? तो सफेद रंग, हरा रंग, काला और नीले रंग का प्रयोजन कर जून का महीना आपके लिए होने जा रहा है खुशहाल। शुभ वार कौन से रहेंगे? कोई भी बड़ा कार्य करना हो बुधवार के दिन कीजिए, शुक्रवार या शनिवार के दिन किया हुआ कार्य निश्चित रूप से दिलाएगा आपको सफलता। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, साथ ही गणपति अथर्व शीर्ष का हर बुधवार पाठ सुनना या करना आपके लिए जून के महीने को यादगार ना बना दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।